हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस। लर्न मराठी विथ इजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आप सीखने जा रहे हैं मराठी सुलभ भारती इयत्ता सातवीं। तो आज का हमारा टॉपिक है गोपाल चे शौर्य, जिसकी लेखिका है लक्ष्मी कमल गेड़ास। इनका जन्म 1956 में हुआ था। ये एक लेखिका है, कवित्री है और कथा कथनकार भी है। शिवा फेरी, दुरुन डोंगर साजरे, पितरांचा पात्र, अड़ोशा, हे कथा संग्रह, ये कुछ कथा संग्रह हैं इनकी। हृदय परिवर्तन, किशोरांची करामत हे बाल साहित्य, बच्चों के लिए कुछ लिटरेचर्स हैं। तुरुंगवाड़ा ही कादंबरी, और एक कादंबरी है तुरुंगवाड़ा। आठवान से झेले हा ललित लेख संग्रह प्रसिद्ध है। डोंगरांवर अचानक लागलेला वनवा, डोंगर पे अचानक आग लग जाती है। डोंगर पे ये सीन गोपाल के शौर्य में डोंगर का क्या लेना देना है। तो करनागढ़ एक फोर्ट है, यहाँ स्कूल की पिकनिक गई हुई है और इस गढ़ से लौटते वक्त गोपाल को एक आग दिखाई देती है जो गढ़ के नीचे यानी कि फुट ऑफ द हिल्स, हिल्स के फुट में लगी हुई है, तो उसी को हम कहते हैं वनवा। तो डोंगर में अचानक वनवा आग लग जाती है, वह त्याची आग विजवन्यासाठी, और उस आग को बुझाने के लिए गोपाल ने केलेले प्रयत्न, गोपाल ने जो प्रयत्न जो कोशिश की है याचे वर्णन प्रस्तुत पाठात आले आए। और इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि गोपाल के शौर्य यानी कि गोपाल की वीरता की कहानी है ये, जिसमें गोपाल ने जंगल में लगे हुए आग को बुझाने में जो वीरता दिखाई है। गोपाल या शालेय विद्यार्थ्यांच्या शौर्याची ही कथा है, तो गोपाल की ये स्टोरी है। तो चलिए आज गोपाल की स्टोरी में देखते हैं। नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यात असलेले मोहदी हे खेडेगाव। तो आप देख रहे हैं नागपूर ये एक डिस्ट्रिक्ट है, इसे सेकेंड कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र भी कहते हैं। नरखेड एक टाउन है, नागपुर जिले का एक शहर नरखेड, इसमें एक मोहदी नाम का खेड़े गांव, मतलब बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव। गावातील सर्व लोग गुनिया गोविंदा ने रहता था, जिस गांव में सभी लोग बहुत ही गुनिया गोविंदा ने, गुनिया गोविंद सभी साथ मिलकर खुशी खुशी रहते थे। लिव टुगेदर हैप्पीली, तो गुनिया गोविंदा ने लिव टुगेदर हैप्पीली। या गावापासून 8-10 किलोमीटर अंतरावर करनागढ़ नावाचा एक पौराणिक गढ़ आहे। तो कहा जा रहा है मोहदी इस गांव से लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पर करनागढ़ नाम का एक पौराणिक गढ़ था। पौराणिक यानी कि बहुत ही पुराना, जिसे हम हिस्ट्री में माइथोलॉजिकल भी कहते हैं। तो एक बहुत ही पुराना सा गढ़ यानी कि फोर्ट था। गुरे चारनारे गुराखी दर रोज तिथे जाचात, और इस किले में गुरे यानी कि पशुओं को चराने के लिए जो गुराखी चरवाहे जो होते हैं वो जाया करते थे। गुराखी यानी कि कोहट, जानवरों को चरवाने वाला, वो हर रोज उस किले के पास जाते थे। करनागढ़ इस फोर्ट पर हर रोज कुछ पशु चराने वाले पहुंच जाते थे। सहल काढ़नारे यानी कि कुछ लोग पिकनिक के लिए जाते थे और कुछ लोग क्या करने जाते थे, ट्रैकिंग प्रेमी भी वहां जाते थे। माउंटेनियर पर्वतारोहण, जो पर्वत पर चढ़ने के लिए जाते थे, हे सुद्धा अधे मधे तिथे जाताना दिसतात, ये लोग भी अधे मधे यानी कि कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी ये भी वहां जाते हुए दिखाई देते थे। तो हमें ये पता चल गया कि करनागढ़ ये एक फोर्ट है और ये मोहदी गांव से 8-10 किलोमीटर की अंतर पर है, और ये एक बहुत ही पुराना गढ़ है जहां पर गुराखी हर रोज आते थे, कुछ पिकनिक करने वाले लोग वहां जाते थे और ट्रैकिंग प्रेमी भी
बीच बीच में आया करते थे। गडाचा पायथ्याशी मंदाकिनी नदी बारमाही जुड़जुड़त असते। गढ़ के पायथ्याशी यानी कि फुटहिल्स, फोर्ट के फुटहिल्स पे मंदाकिनी नदी जो है वो 12 महीने बहने वाली नदियों को क्या कहा जाता है? पेरिनियल्स रिवर्स, यानी कि साल भर ये नदियां पानी से बहती है। नदीच्या दोन्ही तीरावरील शेतमड़े 12 महीने हिरवेगार असतात। अब जिस नदी में 12 महीने पानी रहती है तो नदी के किनारे तीरावर्ती बैंक ऑफ द रिवर, तो रिवर बैंक्स पे जो खेत थे उसमें 12 महीने वो हरा भरा रहता था, हिरवेगार हरा भरा रहता था वो, इसलिए क्योंकि यहाँ पे पानी उनको पूरा मिलता था। पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात तर हा प्रदेश पाचूसा वाटते। लेखिका कहती है बरसात में और ठंडी यानी कि रेनी सीजन में और विंटर सीजन में ये प्रदेश जो है वो पाचूसा, पाचू मतलब हरे रंग का रत्न, यानी कि रेनी सीजन में और विंटर सीजन में तो ये जो प्रदेश है वो पूरी तरह से ग्रीन रहता है। उन्हाळ्यात गडावर वाढलेला पाळा पाचोडा दिसतो, और समर सीजन में इस फोर्ट के ऊपर जो घास फूस बढ़े हुए होते हैं वो दिखाई देते, पाला पाचोड़ा घास फूस। तरी ही रान मेव्यांची अनेक प्रकार की झाड़े, फिर भी रान मेवा यानी कि जंगल में उगने वाले फ्रूट्स, तो जंगल में उगने वाले जो फ्रूट्स हैं उसके भी बहुत सारी प्रकार की झाड़े यहाँ पर देखने को मिलती है। तिथे मौसमी फल भारा ने लद बदले ली अस्तात, और वो भी मौसमी यानी कि सीजनल, सीजनल फलों के भार से, इतना ज्यादा वो फल उगता है कि फल के भार से, फल के वजन से झाड़ जो है वो लद बदले ली, यानी कि उसके वजन से झाड़ जो है वो पूरी तरह से भरी हुई रहती थी। वार्षिक परीक्षा संपल्यानंतर लगेचच उन्हाळ्यात मोहदी येथील माध्यमिक शाळेची सहल कर्णागड येथे गेली होती। वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम जो होती है, एनुअल एग्जाम के खत्म होने के लगेचच तुरंत ही समर में मोहदी में एक माध्यमिक स्कूल थी, सेकेंडरी स्कूल, माध्यमिक स्कूल सेकेंडरी स्कूल, ये एक पिकनिक के लिए कर्णागढ़ यहाँ पर गई हुई थी। विद्यार्थी पिकनिक पे कौन कौन थे? विद्यार्थी, शिक्षक या सर्वानी गड़ाचा भव्य परिसर पाहिला। स्टूडेंट्स और टीचर सभी ने मिलकर इस फोर्ट का भव्य यानी कि ग्रैंड, ग्रैंड परिसर, पूरा आसपास का एरिया देखा। गडावरील फेरफटका पूर्ण झाल्यावर प्रत्येकाने आपापले कला गुण सादर केले। जब फोर्ट को पूरी तरह से घूम फिर के, फेरफटका चारों ओर से घूम लेने के बाद हर एक स्टूडेंट ने अपने अंदर की कला यानी कि उसके अंदर जो टैलेंट है उसको सादर किया, टैलेंट को परफॉर्म किया। विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण दिवस छान मजेत गेला, विद्यार्थियों का पूरा दिन बहुत ही मजे मस्ती के साथ बीता। सर्व मुले गढ़ उतरून खाली आली, सारे बच्चे फोर्ट से उतर कर अब नीचे आ गए। मुलानो सूर्यास्त आदि घरी पहुंचलेले बर, शिक्षक का कहना था बच्चों सूर्यास्त से पहले, सूर्य के ढलने से पहले हमें घर पहुंच जाना चाहिए तो अच्छा होगा, असे शिक्षकांनी म्हणताच सर्वजन गाडीत जाऊन बसले। टीचर्स के ऐसे कहने पर सारे बच्चे गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। घाटातून गाड़ी जात असताना, आप यहाँ पे देख रहे हैं घाट पे से, घाट क्या होता है? डोंगर का रास्ता। घाटातून गाड़ी जात असताना, डोंगर का ये जो रास्ता हमें दिख रहा है बहुत ही रिस्की होता है ये, तो यहाँ पर से ये गाड़ी जो है वो जाते हुए, मुलांना घाटाचा खालचा बाजूने, घाट के निचले हिस्से में आग लगी हुई बच्चों को दिखाई देते। अरे तो बघा वनवा, तो सारे बच्चे वनवा लागला है, वनवा, सारे बच्चे चिल्लाते हैं। गाड़ी तिल एक जन ओरडला, वो देखिए बघा, वो देखिए, अरे तो बघा, वो देखिए वनवा, वनवा मतलब फॉरेस्ट फायर, जंगल में लगने वाली आग, क्या लगा है? वनवा, वनवा लागला है, वनवा। गाड़ी तिल एक जन ओरडला, गाड़ी में से एक जन चिल्लाया, क्या चिल्लाया? देखो आग लग गई है। ड्राइवर ने लगेज गाड़ी चा वेग वाढवला,
ड्राइवर ने फटाक से गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया। नाहक आपन आगित सापड़ू ने, अब ड्राइवर ने ऐसा क्यों किया, ये सुनते ही कि देखो आग लगी है, इस बात को सुनते ही ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की स्पीड क्यों बढ़ाई, वो इसलिए क्योंकि नाहक यानी कि बिना किसी कारण अननेसेसरली आपन किसी आग में न पकड़े जाए, इसलिए हा त्यांचा उद्देश्य होता, ये उस ड्राइवर का उद्देश्य था कि हम बिना मतलब किसी आग के जो है आग की लपटे में न फंस जाए। गाड़ी पायथ्याशी ये असताना उतारा मुड़े गाड़ी चा वेग मंदावला। गाड़ी जब नीचे की ओर आ रही थी, फोर्ट से नीचे जब आ रही थी, तो उसकी ढलान जो है उतारा मुड़े जो रास्ता है वो बहुत ढलान वाला था, स्लोपिंग था, तो उसकी स्लोप की वजह से गाड़ी का स्पीड स्लो हो जाता है। गाड़ी थांबवा ही आग विजुअलीज पाइजे, तो गाड़ी रोको इस आग को बुझाना ही होगा। 14 वर्षाचा गोपाल उरडला, 14 साल का ये बच्चा गोपाल ये चिल्लाता है कि गाड़ी रोकिए, इस आग को बुझाना ही होगा। गोपाल चा या वक्तव्याचा गाड़ी तिल सारे जन हसले, तो गोपाल के इस वक्तव्य, गोपाल ने ये जो स्टेटमेंट कहा कि हमें इस आग को बुझाना ही होगा, सभी लोग हंसने लगे, ये सोच के कि ये इतना छोटा बच्चा सिर्फ 14 इयर्स का है, ये कैसे ही जंगल में लगी हुई इतनी बड़ी आग को बुझा सकता है। अरे वेड़िया ही जंगलाची आग आपन कशी काय विझवू शकू, शिक्षक दरडाउन म्हणाले, जो टीचर है वो चिल्लाकर बहुत ही रूडली होकर गोपाल को कहते हैं कि अरे वेड़िया, अरे पागल, ये जंगल की आग हम कैसे बुझा सकते हैं। पण ते एकायला गोपाल गाड़ीत होताच कुट, पर ये सुनने के लिए गोपाल गाड़ी में ही था कहां पे, त्याने तर लगेच गाड़ीतून उड़ी ही मार ली, जैसे ही गाड़ी रुकी थी तभी उसने फटाक से गाड़ी में से उड़ी मार ली। त्याला परत गाड़ीत घेण्यासाठी ड्राइवर लाही नाइलाजा ने गाड़ी थांबवावी लागली। अब जब गोपाल गाड़ी से उतर चुका था तो ड्राइवर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो विदाउट एनी ऑप्शन ड्राइवर भी उतरता है ताकि वो गोपाल को गाड़ी में वापस बिठा सके। गोपाल ने धावतच जाऊन वाटे लगतच्या शेतातील नदीवरून शुरू असलेला पाण्याचे भरलेला रबरी पाइप सर्व शक्तिनिशी ओढायला शुरुआत केली। फिर गोपाल दौड़ता है, धावतच दौड़कर जाकर वाटे लगतच मतलब इस रास्ते में ही, रास्ते से ही लगे, वाट मतलब रास्ते से लगी हुई एक खेत थी और उस खेत में नदी से सिंचाई के लिए पानी ले जाने के लिए एक रबर पाइप से पानी उसमें जा रहा था सिंचाई के लिए। तो पूरी शक्ति गोपाल ने अपनी पूरी शक्ति को लगाकर उस रबरी पाइप को खींचने की शुरुआत कर दी, ओढ़ाइला खींचने की शुरुआत कर दी। साधारणपणे 2.5-3 इंच परिध असलेला तो लांबच लांब पाइप, ये बहुत ही लंबा पाइप था और इस पाइप की जो परिधि है, परिधि यानी कि सरकमफेरेंस, पाइप की जो मोटाई है, ये कितना मोटा पाइप था यहाँ पे दिखा रहा है कि वो 2.5 से 3 इंच का था और बहुत ही लंबा पाइप था। गोपाल आगे चा दिशे ने ओढ़त आनत होता और जहां आग लगी थी उस दिशा में उस पाइप को खींचकर वो ले जा रहा था। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गोपाल ने उस पाइप को खींचा हुआ है और जहां डोंगर के नीचे जहां आग लगी हुई है उस आग को बुझाने की वो कोशिश कर रहा है। ये आग एकट्या कडून इजनार नाहीत, इजनार ये पुरानी मराठी का एक बोलने का शैली है, ये जो आग है ये एक अकेले से बुझने वाली नहीं है, हे मले ही माहित आहे, ये मुझे भी मालूम है कि ये आग जो है वो किसी एक जन से बुझने वाली नहीं है। पण महनुन काय प्रयत्नच करावे नाइस, तो क्या हम प्रयत्न को प्रयत्न यानी कि क्या हम कोशिश भी ना करें इसको बुझाने की। सर असर जंगल सा आंभा आदिवासींचे पोशिंदे आहेत, तो वहां का एक नागरिक है वो कहता है कि हम सभी जंगल के आदिवासी हैं, यहाँ के पोशिंदे हैं मतलब जंगल के सपोर्टर्स हैं, आदिवासी जंगल को ही सपोर्ट करते हैं। अन माय बापाले
कोनी अशा आगीचा मुखी सोडून जाते का, तो हम आदिवासी हैं और हम अपने माँ बाप को यानी कि जंगल हमारे माता पिता हैं, इन्हें हम छोड़कर इस आग में कैसे जा सकते हैं। बाजूला उभा असलेला गावातील एक गुराखी सरांना म्हणाला, तो सर से कौन कह रहा था ये सारी बातें, जहाँ आग लगी थी वहीं पर खड़ा एक गांव का गुराखी यानी कि चरवाहा। गोपाल गुराख्या कड़े पाहुन म्हणाला, गोपाल ने उस चरवाहे की ओर देखकर कहा, माणस असो का जनावर त्यांना वाचवलाच पाहिजे ना, कहता है मनुष्य रहे या जानवर उसे बचाना ही चाहिए, सर्वांनी मिळून आग विज्वलीच पाहिजे, सभी को मिलकर आग बुझाना ही चाहिए। हे पाहुन सर्व विद्यार्थी व शिक्षक एका पाठोपाठ एक गोपालच्या मदतीला धावले। ये देखकर सभी विद्यार्थी और शिक्षक एक के पीछे एक एका पाठोपाठ एक गोपाल की मदद के लिए दौड़ पड़े। एवढ्यात दूसरी एक गाड़ी गड़ावरून खाली उतरली। इतने में ही फोर्ट पे से एक और गाड़ी, एक बस तो उनकी वहां पर ऑलरेडी पहुंची हुई थी, उसके साथ साथ एक और गाड़ी वहां उतरती है। त्या गाड़ीतील पन्नाशी चे एक गृहस्थ यानी कि लगभग 50 इयर्स के एक गृहस्थ जेंटलमैन, गृहस्थ जेंटलमैन वहां उतरते हैं। त्यांनी सर्व प्रकार क्षणात निहारला, उन्होंने बहुत ही कम समय में यहाँ क्या क्या हुआ था ये सभी प्रकार यानी कि जो भी बातें यहाँ पर अभी घटना घटित हुई थी इन सब को निहारा यानी कि बहुत ही क्लोजली इन सब को देखा, लुक्ड क्लोजली, निहारना लुक्ड क्लोजली। आणि त्यांनी मोबाइल कानाला लावला और फटाक से उन्होंने मोबाइल निकालकर अपने कान पर लगा लिया। मोबाइल वरील संभाषण संपतास, मोबाइल पर उन्होंने किसी से कन्वर्सिएशन किया और ये कन्वर्सिएशन खत्म होते ही ते गोपालच्या मदतीला ही गेले और वो गोपाल की मदद के लिए भी गए। आता तो पाइप सहजगत्या चौफेर पानी फेकू लागला, अब वो पाइप जो है वो चारों ओर सहजता से आसानी से चारों ओर पानी फेंक रहा था, क्योंकि काफी सारे अदर स्टूडेंट्स और टीचर ने और ये जो एक जेंटलमैन उतरे थे इन्होंने सभी ने मिलकर गोपाल की मदद की और अब वो पाइप जो है जो अकेला गोपाल नहीं संभाल पा रहा था उसे सभी ने मिलकर संभाला। पायथ्याची आग हड़ू हड़ू शांत होत होती, फुटहिल्स पे जो आग लगी हुई थी वो धीरे धीरे शांत हो रही थी। गड़ावर पुढ़ा पुढ़ पसरत असलेली आग ही आटोक्यात आणली पाहिजे, दुसऱ्या गाडीतील गृहस्थ म्हणाला। जो दूसरे जेंटलमैन थे उन्होंने क्या कहा कि अभी जो फुटहिल्स पे है जो आग लगी थी वो तो धीरे धीरे शांत हो गई है, अब हमें जो आग फोर्ट की तरफ आगे बढ़ती जा रही है फैलती जा रही है पसरत यानी कि फैलते जा रही है उस आग को भी अंडर कंट्रोल आटोक्यात अंडर कंट्रोल अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। पण साहेब हे कसं शक्य आहे, मला तर हा वेडेपणाच वाटतो, पर शिक्षक जो है वो कहते हैं जेंटलमैन से कि पर साहेब ये कैसे पॉसिबल है, शक्य ये कैसे पॉसिबल है, ये तो मुझे एक पागलपन ही लगता है, इतना पूरा जंगल में आग फैला हुआ है और इसे हम बुझाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ये हमारी जान पर भी खतरा है। शिक्षक ऐसा कैसे बोलते, शिक्षक हतबल झाल्या सारखे बोलते, हतबल निराश निराश होकर ये कहते हैं। त्या गृहस्थाने फोन वरून अग्निशामक दलाच्या दोन गाड्यांना बोलावून घेतले आहे हे सरांना सांगितले, लेकिन सर की जो निराशा थी उसे हटाने के लिए सर से क्या कहते हैं वो जेंटलमैन कि मैंने फोन से अग्निशामक फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों को यहां पर बुला लिया है, तो उनके आने तक ही हमें बस कंट्रोल करना है। 20 मिनटांच्या आतच 15-20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नरखेडहून अग्निशामक दलाच्या दोन गाड्या गडाच्या पायथ्याशी हजर होत्या, तो 20 मिनट के अंदर ही 15-20 किलोमीटर की दूरी पर था ये फायर ब्रिगेड का ऑफिस। तो किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नरखेड, इस नरखेड के अग्निशामक दल से दो गाड़िया फोर्ट के हिल्स फुट हिल्स के यहाँ पर पहुंच गए। लगेच त्यांनी पाण्याचा मारा शुरू केला, फटाफट उन्होंने यहाँ पे पानियों से फवारा डालना शुरू किया। आग आटोक्यात येऊन संपूर्णतः
शांत झाली होती। आटोक्यात, अब आग जो है पूरी तरह से अंडर कंट्रोल होकर और फिर बुझ भी गई, शांत हो गई। अतः सर्वाचे चेहरे उजड़ले और ये देखकर सभी के चेहरे खिल गए, खुशी से सभी के चेहरे खिल गए। सर्वानाच नवी ऊर्जा मिलाड़ी होती, सभी को एक नई ऊर्जा एनर्जी मिल गई थी। अशातच गाई वासर घेऊन गेलेले काही गुराखी मुलांजवळ आले और इसी तरह से पशुओं को लेकर गए हुए कुछ चरवाहे ये भी बच्चों के पास आते हैं। त्यांतील एक जन हाथ जोड़ून म्हणाला और उन चरवाहों में से एक व्यक्ति हाथ जोड़कर कहता है, लय बेस झाला बाबा, आपकी बहुत मेहरबानी हुई, आग इजली, आग बुझ गई। गड़ा वर्चित किती कंच झाड़ झुड़ूप भाजून निघालित, गढ़ के ऊपर फोर्ट के ऊपर कितनी सारी झाड़ वगैरह जो है वो जल गई, भाजून यानी कि जल गई। जरासा का उशीर झाला असता तो आम्ही ही तसेस भाजून निघालो होतो, तो जैसे झाड़ वगैरह जल गए अगर थोड़ी और देर हो जाती, उशीर थोड़ी और देर हो जाती तो हम भी इन्हीं झाड़ की तरह जलकर निकल गए होते। आणि आमच्यात कोणाले पत्ता भी लागला नसता और हम में से कौन कौन यहाँ मर गया है जलकर इसका पता भी किसी को नहीं लगता। तुम्ही संबंध मदतीस धावून आले, आप फटाक से मदद के लिए दौड़ कर आए, हे सांगताना त्याला गहीवरून आले होते। इतना बोलते हुए उस चरवाहे के गहीवर आला, गहीवर आला गेट इमोशन, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया वो, उसका दिल भर आया। खरच आमच्या या गोपाल न निरपेक्ष भावने ने जीवाची परवाह न करता हे धाडस केले, तो सच में हमारे इस गोपाल ने निरपेक्ष बिना किसी अपेक्षा के, उसे यहां से तो कुछ मिलने वाला नहीं था, तो बिना किसी अपेक्षा के अपनी जान की परवाह न करते हुए ये साहस, धाड़स यानी कि साहस, करेज दिखाया। आज केवल गड़च नवे तर गुर आणि या सर्व गुराख्यांचे ही प्राण वाचवले, आज यहां पर सिर्फ गड़ को ही नहीं, गड़ को ही नहीं, पशुओं को और उन पशुओं को चराने वाले चरवाहों की भी जान बचाई। त्याच हे काम खरच कौतुकास्पद आहे, और गोपाल ने जो ये काम किया ये सच में कौतुकास्पद, प्रशंसनीय यानी कि जो काम इसने किया ये बहुत ही अप्रिशिएटिंग था, असा मोठ्या अभिमानाने शिक्षक सर्वांना सांगत होते। और इस तरह की बात बहुत ही अभिमान यानी कि गर्व, प्राइड, प्राइड अपने स्टूडेंट पर होने वाला गर्व, शिक्षक बहुत ही गर्व से सभी को ये बात बता रहे थे कि गोपाल ने किस बहादुरी के साथ जंगल में लगी इस आग को बुझाया। दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमान पत्रातून ही बातमी सर्वच लोकांना कळाली और दूसरे दिन की न्यूज़पेपर में ये स्टोरी सभी लोगों को पता चलती है। परिसरातील नागरिक गोपाळच्या या शौर्याचे भरभरून कौतुक करत होते और यहाँ के जो सिटीजन्स थे सभी ने गोपाल के करेज का पूरी तरह से कौतुक यानी कि प्रशंसा की, अप्रिशिएट किया। तो आज की इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि अचानक आई हुई किसी भी प्रकार की नैसर्गिक आपदा को साहस के साथ किस तरह से मात देना चाहिए ये हमें सीखने को मिलता है। हमें अपने जीवन में शौर्य, धैर्य और हिम्मत को बनाए रखना चाहिए, ये संदेश इस पाठ के जरिए ये लेखिका हमें देती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल और आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हाँ कमेंट करना ना भूलें क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।